वेलकम टू वेदी फाइल आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सेल डिवीजन सो अगर हम सेल थ्योरी के बारे में बात करते हैं जो चिल्ड्रन ने शाह ने दी थी उसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि लाइफ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल जो सेल थ्योरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया था बाय रोड ऑफ विर्चो तो विर्चो एग्जैक्टली फर्म बिलीवियर था कि उनको पता था कि लाइफ एग्जैक्टली स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन के नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई सेल्स हैं जो डिवाइड कर रही हैं एंड देन एग्जैक्टली न्यू लाइफ्स को बना के जा रही है मतलब न्यू सेल को बना के जा रही है तो सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आ गया दैट इज सेल डिवीज़न मतलब अगर कोई भी पुरानी सेल्स को या फिर एक एक एग्जिस्टिंग सेल्स को मैं डिवाइड करता हूँ तभी मैं एक नई सेल बना सकता हूँ ये बहुत वेल स्टेब्लिश फैक्ट हो चुका था उस टाइम में मतलब सबको ये बात पता थी कि अगर आप सेल डिवीज़न कर सकते हैं तो आप एक नई सेल बना सकते हैं मतलब कोई भी एक पुरानी सेल लीजिए या फिर एक कोई एग्जिस्टिंग सेल लेते हैं उसके अंदर डिवीजन से जो सेल्स बनने जा रहे हैं उनका नाम उन्होंने रखा डॉटर सेल्स और ये बहुत उस टाइम तक एक इस्टेब्लिश फैक्ट था कि इसी तरीके से ग्रोथ होती है अगर आप मेरे से पूछेंगे कोई एक मल्टी सेल और ऑर्गेजिम्स है उसकी लाइफ कैसे स्टार्ट हुई होगी तो अपन इसी तरीके से बोलेंगे कि सिंगल सेल था उसके अंदर डिवीज़न होता चला गया तो टिश्यूज बनते चले गए एंड देन और डिवीज़न हुआ इस तरीके से मल्टी सेल और ऑर्गेजिम बने और एक पूरी बॉडी बन गई यानी तो ये उस टाइम तक एक ऑलमोस्ट एक कंसेस आ चुका था इस बात के ऊपर बट ये कोई नहीं जानता था कि क्या सेल डिवीजन में कुछ स्टेजेस हो सकती हैं या सेल्स को कुछ पर्टिकुलर टाइम चाहिए फॉर डिवाइड करने के लिए तो बहुत सारी रिसर्च स्टार्ट हुई स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बैक्टीरिया एज वेल एज इन यू सेल्स तो जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर सेल डिवीजन के ऊपर रिसर्च स्टार्ट हुआ तो पता लगा कि बैक्टीरिया के पास में तो इज़ अ प्रो सेल तो कोई भी सेल ऑर्गनल नहीं है अगर सेल ऑर्गनल नहीं होगा तो सिर्फ एक न्यूक्लियोइड है दैट मीन्स ओनली डी है तो आप डीएनए को डबल कर लीजिए दैट मीन्स डी एन रेप्लीकेट कर लीजिए कोई साल ऑर्गेनल है नहीं तो उनको कॉपी करने की जरूरत भी नहीं है और उसके बाद में साइटोकानिस मीन बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एंड सेल वॉल को डिवाइड कर लीजिए इस तरीके से बैक्टीरिया बाइनरी फिशन से रेप्लीकेट कर लेता मतलब तो डबल हो जाता है नहीं तो क्या सेम का सेम एग्जैक्टली यू कैर में है यू कैरोड सेल्स के पास में बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन हैं मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स हैं जैसे न्यूक्लियस है उसके बाद नैंडोप्लाजमी रेटिकुलम है गोअलजी बॉडी है लाइसोसोम है माइक्रोकॉन्ड्रिया है अगर प्लांट सेल है तो उनके पास में सेंट्रल वैक्यूल है एंड क्लोरोप्लास्ट भी है तो डॉटर सेल्स को ये सब देना बहुत ज़्यादा जरूरी था क्योंकि बिना डॉटर सेल्स को ये सब दिए सेल ऑर्गन दिए तो आप सेल डिविजन का कंप्लीट ही नहीं कर सकते यानी तो कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फेज होगा जो रेस्ट्रिक्टेड होगा या फिर डेडिकेटेड होगा इन सब सेल ऑर्गन को डुप्लीकेट करने के लिए दैट मीन्स बिफोर सेल डिवीजन हमें ये सारे के सारे सेल ऑर्गन्स एक बार और बनाना पड़ेगा हाँ दोनों के दोनों चाहे प्रॉकेटिक सेल्स हो चाहे यू कैरेटिक सेल्स हो डी एन ए बना के जा रहे हैं दोनों ने अपने डी एन ए को पहले डबल किया एंड देन डॉटर सेल्स को दिया ये तो मस्ट है दोनों अपने एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डी एन ए चाहे प्लाजमेट हो चाहे कुछ भी उनको भी डबल करके रखेंगे एंड देन डॉटर सेल्स को देंगे ये तो मस्ट है बट डॉटर सेल्स को अगर, अगर अपन यू कैटिक सेल्स देते हैं तो सारे के सारे कंपार्टमेंट मिलने चाहिए उस डॉटर सेल्स को सो दैट मीन्स मदर सेल ने एग्जैक्टली दैट मीन्स जिसके अंदर डिवीज़न हुआ है हम उन उस सेल्स को बोलने जा रहे हैं मदर सेल्स तो मदर सेल ने डिसाइड किया है कि क्योंकि okay, एक पर्टिकुलर फेज हम रखेंगे जिसके अंदर हमने सारे के सारे साल uh, ऑर्गन को हमें डुप्लीकेट करना है चाहे वो माइट्रोम्रिया हो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो हो तो सकता है वो डुप्लीकेट कैसे हो देखते हैं चलो चाहे वो गॉल्जी बॉडी हो चाहे लाइसोसोम्स यानी और ये मस्ट है सभी सेल्स के लिए यानी तो इसका मतलब एक प्रो कैरटिक सेल्स के अंदर सेल डिवीजन बहुत ईजी है यू कैरिक सेल्स के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है हम डिफिकल्ट वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स उसको हम एक पर्टिकुलर स्टेजेस के अंदर डिवाइड करेंगे कुछ स्टेजेस सिर्फ डुप्लीकेशन ऑफ और सेल ऑर्गेज के लिए रेस्पॉसिबल होगा कुछ एग्जैक्टली ऑरेंटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा मतलब हम कैसे ऑरेंट करें डॉटर सेल्स को या फिर क्रोमोजॉम्स को हम कैसे ऑरेंट करें एंड हम एक पर्टिकुलर स्टेज देखने जा रहे हैं जिसमें उनका क्रोमोजमल डीएनए एन ए मीन्स डी जो सेल्स का है वो डुप्लीकेट होने जा रहा है वो रेप्लीकेट होने जा रहा है तो इस तरीके से बहुत ही डेडिकेटेड फेज है फिर एक्जैक्टली exactly थोड़ा और रिसर्च हुआ तो पता लगा कि यू कैटिक सेल्स में मेनली एग्जैक्टली टू टाइप का डिवीजन है एक रेस्ट्रिक्टेड है सोमेटिक बॉडी के अंदर दैट मीनस सोमेटिक सेल्स के अंदर तो नाम रखा माइटोसिस और एक रेस्ट्रिक्टेड है जम सेल्स के अंदर जिसमें डिवीजन से एक्जैक्टली स्पम्स ओवा बनेंगे तो उनका नाम रखा गया मियोसिस यानी तो अगर आप माइटोसिस एंड मियोसिस देखते हैं दैट इज़ ए फीचर ऑफ यू सेल्स ओनली क्योंकि वहीं पर है क्रोमोजोम्स वहीं पर है न्यूक्लियस वहीं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होगी इन यू सेल्स में एक्जैक्टली क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोजोम्स बनाएंगे वहीं पर सेंट्रियोल है इसलिए वहीं पर प्रोफेज मेटाफेज मतलब मेटाफिजिक प्लेट के ऊपर क्रोमोजोम्स आएंगे एंड देन वहीं पर रैनाफेज आएगा एंड देन वहीं पर माइक्रोडिव्यूस हैं तो अगेन वहीं पर न्यूक्लियस बनेगा टीलोफेज के अंदर वहीं पर ही साइटोकाइनेसिस होगा इस्पेशली एक्टिन मॉलिक्यूल्स की मदद से यानी सो दैट मीन्स अगर अपन प्रोकैरियोटिक देखते हैं तो थोड़ा सेल डिवीजन बहुत सिंपल है इसलिए प्रोकैरियोटिक में इस तरीके से स्टेजेस नहीं हैं कोई माइटोसिस और मीओसिस नहीं है नॉर्मल तरीके से एक सेल डिवाइड हो जाती है आफ्टर डी एन रेप्लीकेशन तो हमने वहाँ पर नाम रखा है बाइनरी फ्यूजन यहाँ पर हमने नाम रखा है माइटोसिस जर्म सेल्स में हमने नाम रखा है यानी तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि माइटिस एंड इज म्यूसिस फीचर ऑफ यू कैटिक सेल्स एंड बाइनरी फीचन इज ए फीचर ऑफ़ प्रॉ कैटिक सेल्स सो एक सेल कहाँ से ऑरिजिनट होती है सेल्स हमेशा एग्जैक्टली ऑरिजिनट होगी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स या नहीं तो क्या प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होना बहुत ज़्यादा मस्ट है ओबियसली सेल रिप्रोड्यूस कब कर सकती है जब उसकी वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हो एस एनवायरमेंट के अंदर सो दैट मीन्स मैं ऐसे बोल सकता हूँ सेल रिप्रोड्यूस बाई डिवाइडिंग इंटू टू ईच पेरेंट सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स ईच टाइम दे डिड और होना भी इसी तरीके से चाहिए जब भी मदर सेल में डिविजन होगा हमेशा दो डॉटर सेल्स बनेगी दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल कैन दैम सेल्फ ग्रो एंड डिवाइड दैट मीन्स अगर एक सेल को अपन कल्चर मीडियम रखते हैं तो वो डिवाइड करेगी फिर ग्रो करेगी फिर डिवाइड फिर ग्रो करेगी फिर डिवाइड करेगी अगेन ग्रोथ डिवीजन दैन ग्रोथ एंड डिवीजन डिवीजन मीन्स डॉटर सेल इज प्रोड्यूस डॉटर सेल ग्रो करेगी एंड देन डिवीजन करेगी तो इस तरीके से क्या एक साइकिल सिटी है सेल के अंदर यस दैट मीन्स ग्रोथ एंड देन डिवीजन देन अगेन ग्रोथ एंड देन डिवीजन सो एक तरीके से साइकिल हो गया यानी ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन ग्रोथ डिवीजन एंड ग्रोथ डिवीजन तो हमने इस इस पर्टिकुलर फेज का नाम ही रख दिया सेल साइकिल सो सेल साइकिल के दो पार्ट हो गए नंबर वन इज ग्रोथ फेज और नंबर टू इज़ डिवीजन फेज यानी हम ग्रोथ फेज को हो सकता है कि हम पार्ट के अंदर डिवाइड कर दें एक्सक्लूसिवली हम बोल के जा सकते हैं दैट इज नोन एज इंटरफेज दैट मीन्स ये दो डिवीजन फेज की स्टेज है अगर हम देख सकते हैं यस ग्रोथ डिवीजन एंड देन ग्रोथ डिवीजन सो दो डिवीजन फेज की जो बीच की जो स्टेज है दैट इज वन इज इंटर फेज और ग्रोथ फेज बाद में हम ग्रोथ फेज को क्लासीफाई करेंगे ग्रोथ फेज फॉर द सैल ऑर्गन ग्रोथ फेज फॉर द डी एन एंड ग्रोथ फेज फॉर द पर्टिकुलर माइक्रो डिव्यूज इसी के बेसिस हमने इसको थ्री पार्ट के अंदर डिवाइड किया है जी वन फेज एस फेज एंड जी टू फेज हम इसको बहुत डिटेल के अंदर देखने जा रहे हैं तो सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्वियसली ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ ए सेल डीएनए एन रेप्लीकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस ये तो सिंपल सा पॉइंट है ओब्वियसली so, हमेशा इसी तरीके से होगा नहीं ऑल दीज प्रोसेस लाइक सेल डिवीजन डी एन एर रेप्लीकेशन एंड सेल ग्रोथ हैज हैव टू टेक्स प्लेस इन ए कोऑर्डिनेटेड वे टू इंश्योर करेक्ट डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी इनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक पर्टिकुलर सिक्वेंस में होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिना ग्रोथ के अगर आपने डिवीजन कर लिया तो सेल की साइज ही इंक्रीज नहीं होगी सेल डेथ हो जाएगी यानी राइट द सवेंस ऑफ इवेंट्स बाई विच ए सेल डुप्लीकेट्स इज जीनोम सिंथेसिस होने जा रहा है डी एन ए का एंड अदर सेल ऑर्गन का ऑफ द पर्टिकुलर सेल एंड इवेंचुअली वो डिवाइड होती है इन टू डॉटर सेल्स तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद में जिसको हम बोल के आ रहे हैं ग्रोथ फेज ग्रोथ फेज फॉर द डीएनए ग्रोथ फेज फॉर द सेल ऑर्गेनल्स उसके बाद में उसके अंदर डिवीज़न फेज या डिवीजन फेज मींस वो डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है यानी सो so अभी तक हमको ये समझ में आ गया कि सेल साइकिल के अंदर दो फेजेज हैं यानी नंबर वन फेजेज इज सेल ग्रोथ फेज जिसमें सेल ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन होने जा रहा है डी एन कंटेंट डुप्लीकेशन होने जा रहा है राइट एंड सेकेंड इज ए डिवीज़न फेज जिसमें एक्जैक्टली सेल डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बना रही है तो डॉटर सेल्स को एक जी क्या आपको अपना डीएनए देना है तभी तो हमने डुप्लीकेट किया है तभी तो हमने डीएनए को किया है एंड क्या डॉटर सेल्स को आप माइट्रोकोंडिया भी देंगे obviously. हमने जितने भी सेल ऑर्गन्स का डुप्लीकेशन किया है वो सभी हमें देना पड़ेगा ये तो मस्ट है सभी सेल्स के लिए यानी तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन इज ग्रोथ फेज जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गन्स का हमने डुप्लीकेशन किया है डीएनए कंटेंट हमने डुप्लीकेट कर लिया है एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस डीएनए एंड सार ऑर्गन अमंग द डॉटर सेल्स ये ऑब्वियसली तो मतलब हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया कैसे हम क्रोमोजोम्स के अंदर जिसके अंदर डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है उसको दो डॉटर सेल्स में इक्वली दे दें बैक्टीरिया ने काम बहुत इजीली कर लिया क्योंकि उसके पास में ओनली डीएनए सेपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन आपको तो न्यूक्लियस भी देना पड़ेगा गोल्जी बॉडी इक्वल देनी पड़ेगी माइक्रोड्यूल हो गया सेंट्रियल भी इक्वल देना पड़ेगा एंड देन क्रोमोजोम्स भी इक्वल देने पड़ेंगे अब इतने सारे क्रोमोजोम्स हैं देन हाउ टू सेपरेट देम इन इनप्रोक्रेटिक सेल्स भी अब सिंगल डीएनए एक ही डीएनए होता है उसको डुप्लीकेट करने में कोई इश्यू नहीं है एक सिंगल डीएनए पर एप्लीकेट करेगा दो के अंदर डिवाइड हो जाएगा एक सेल को एक डीएनए दे, दे, दे देंगे दूसरे सेल को दूसरे वाला डीएनए दे, 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 दे देंगे नहीं बट अगर हम यू क्रेटिक सेल्स देखते हैं तो इतने सारे क्रोमोजोम्स हैं बहुत सारे क्रोमोजोम्स हैं और सभी सेल्स को इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम जाना सबसे ज्यादा जरूरी है सिर्फ एग्जाम्पल ह्यूमन सेल है फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम तो डॉटर सेल को भी 46 जाना चाहिए सेकंड डॉटर सेल्स को भी 46 सिक्स क्रोमोजोम जाना चाहिए यानी तो ये प्रोसेस अपन कर कैसे सकते हैं क्योंकि बिना 46 सिक्स एंड फोर्टी के तो माइट्रोस इनकम्प्लीट रहेगा हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आप उसको हाफ क्रोमोजोम दे दो या फिर फोर्टी क्रोमोजोम दे दीजिए काम हो जाएगा इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम जाना चाहिए एंड देन क्रोमोजोम फर्स्ट इक्वल जाना चाहिए सेकंड भी इक्वल जाना चाहिए थर्ड भी इक्वल जाना चाहिए तो ये इंश्योर करने के लिए आप क्रोमोजोम को डुप्लीकेट कीजिए सेल ऑर्गन को डुप्लीकेट कीजिए एंड देन डिवीजन फेज में इंश्योर कीजिए कि ये सारे के सारे इक्वल जाएंगे और यही डिवीजन फेज है डिवीजन फेज इस बात की गारंटी देता है कि जो आपने ग्रोथ फेज में जिन सेल ऑर्गन का नंबर आपने डबल किया है वो सेल ऑर्गन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द डॉटर सेल्स सो अगर हम फेजेज ऑफ द सेल साइकिल देखते हैं तो एक टिपिकल यू कैरिटिक सेल्स के पास में दो फेज हम डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन इज नोन एज ग्रोथ फेज एंड सेकेंड इज नोन डिवीजन फेज बट ग्रोथ फेज का दूसरा नाम भी आप रख सकते हैं क्योंकि ग्रोथ के बाद डिवीजन है एंड देन डिवीजन के बाद अगेन ग्रोथ है एंड देन वापस से डिवीजन है तो दो डिवीजन फेज के बीच में जो स्टेज हो गई दैट इज नोन इज इंटरफेज सो दैट मीन इंटरफेज इज ए स्टेज बिटवीन द टू डिवीजन फेज और एम फेज बट वट इज अ टोटल ड्यूरेशन टोटल ड्यूरेशन जो डिविजन की है और जो ग्रोथ की है वो वैरी कर रही है फ्रॉम सेल टू सेल से फॉर एग्जाम्पल ये सेल को ओनली नाइन्टी मिनट लगता है डुप्लीकेट करने में अगर अपन बैक्टीरिया सेल को देखते हैं तो ओनली ट्वेंटी मिनट में रेप्लीकेट कर लेता है मींस डुप्लीकेट कर लेता है क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर बहुत फास्ट बाइनरी रिफ्यूजन है उसी तरीके से अगर अपन और कॉम्प्लिकेटेड सेल्स की तरफ जाते हैं सिर्फ एग्जाम्पल ह्यूमन अगर हम ह्यूमन सेल्स देखते हैं तो ट्वेंटी फोर आवर्स उसको डुप्लीकेट करने में लगता है नहीं सो दैट मीन्स हम को रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं बिटवीन द टाइम टेकन बाय ए सेल टू डिवाइड एंड देन द कॉम्प्लेक्सिटी हाँ हम ये बोल सकते हैं कि सिंपल ऑर्गन में ये थोड़ा टाइम कम लगता है सेव एग्जाम्पल बैक्टीरिया क्योंकि वहाँ पे कोई माइटोसिस नहीं है कोई मियोसिस नहीं है ओनली बाइनरी फीचर है और अगर अपन यू क्रेटिक सेल्स देखते हैं तो उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज वी हैव टू डुप्लीकेट ऑल द सेल ऑर्गन एंड देन वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द डी एन ए वी हैव टू इंश्योर की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इफेक्टिव हो बहुत परफेक्ट हो अमंग द डॉटोसल्स इसलिए हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं राइट नंबर वन इज ए इंटरफेज And second is M phase, M phase means mitosis phase. The M phase represents the phase when the actual cell division or mitosis occur and the interphase represents the phase between the two successive M phases. It is significant to note that in the 24 hours, average duration of the cell, cycle of the human cell, cell division uh, normally lasts only for 1 hour and interphase lasts for 23 hours, that means 95 percent of the cell division exactly interphase. दट मीन्स 95 परसेंट टाइम आपका प्रिपरेशन में जा रहा है और ओनली 5 परसेंट टाइम आपका एग्जैक्टली exactly, डिवीजन uh, में जा रहा है 95 परसेंट टाइम आप डिवोट करके जा रहे हैं कि आप सेल ऑर्गन्स को डबल कीजिए डीएनए एन कॉन्टेंट को आपको डबल करना है माइक्रो डिवीज को आपको डबल करना है एंड ओनली फाइव टाइम आपका एक्चुअल सेल डिवीजन की तरफ जा रहा है कि यस yes, डबल हो गया इस yes, डबल हो गया एंड नाउ अमंग द डॉटर सेल्स इसको मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है इसमें आपको बहुत कम टाइम लगता है नहीं। और हमेशा होना भी चाहिए प्रिपरेशन में बहुत सिग्निफिकेंट टाइम डिवोट होता है और जब एक्चुअल में हमें उसको प्रूफ करना होता है या फिर एक्चुअल में जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं तो उसमें कम टाइम लगना चाहिए यानी और ऐसा होता है सभी के साथ में जैसे आप नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में ऑब्वियसली आपको बहुत टाइम लगता है एंड देन जब आप एग्जामिनेशन सॉल्व में जाते हैं तो ओनली तीन घंटे का पेपर होता है और आप आराम से क्वालिफाई कर जाते हैं उस एग्जामिनेशन को नहीं तो अगर हम एम फेज देखते हैं एम फेज मीन्स माइटोसिस स्टेज देखते हैं तो माइटोसिस स्टेज को भी हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं नंबर वन इज अ कैरियोकाइनिस कैरियो स्टैंड फॉर न्यूक्लियस बिकॉज ए प्रो कैरियोटिक सेल्स मीन्स प्रीमेटिव न्यूक्लियस वाली सेल यू कैरियोटिक मीन्स एडवांस सेल्स राइट सो कैरियो टर्म स्टैंड फॉर द न्यूक्लियस सो कैरियोकाइनिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बिकॉज साइटोप्लाज्म के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज इन यू कैरेटिक सेल दैट इज अ न्यूक्लियस तो आप न्यूक्लियस को सबसे पहले डिवाइड कीजिए जितना भी प्रिपरेशन हुई है वो साइटोप्लाज्म के लिए भी है साथ साथ में न्यूक्लियस के लिए भी यानी तो अगर आप साइटोप्लाज्म को से भी मेन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज ए न्यूक्लियस तो सबसे पहला स्टेज है न्यूक्लियर कम्पोनेंट को आप अलग अलग कर दीजिए एंड देन वी हैव अ सेकेंड स्टेज इज एज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाजम एज साइटोकाइनेसिस राइट तो आप साइटोकाइनेसिस कीजिए एंड देन इसके अलावा आप क्या कीजिए न्यूक्लियो कैरियोकाइनेसिस कीजिए यानी सो इंटरफेज को नॉर्मली हमें ये नहीं बोलना चाहिए दैट इज नॉन इज रेस्टिंग फेज राइट बिकॉज द सेल इज नॉट इन द रेस्टिंग स्टेज द सेल इज बेसिकली प्रिपेयरिंग मेटाबोलिकली वेरी एक्टिव सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन राइट सो इन द इंटरफेज दो कॉल्ड इट एज अ रेस्टिंग फेज इज अ टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज एक्चुअली प्रिपेयरिंग फॉर द डिविजन राइट तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि रेस्टिंग है राइट क्योंकि सेल एग्जेक्टली अपने आप को प्रिपेयर कर रही है फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एग्जामिनेशन यू कॉन्ट से की यू आर रेस्टिंग नो डाउट आप एग्जामिशंस हॉल में जाएंगे तो दैट डे इज योर डिविजन फेज और द फेज हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन द एग्जामिशंस हाउ यू विल परफॉर्म इन द एग्जामशंस वो एक अलग फेज़ हो गया यानी सो दैट मीन्स इंटरफेज इज नॉट एक्चुअली रेस्टिंग फेज इट इज एक्चुअली अ ग्रोथ फेज इन विच डिसाइडिंग कि यस कि उसको थोड़ा टाइम बाद में डिवीजन के लिए प्रोसीड करना है तो द फेज इज फर्दर डिड इन टू थ्री फर्दर फेज नंबर वन इज ग्रोथ ग्रोथ फेज और गैप फेज एंड नंबर टू इज एस फेज और डी एन एप्लीकेशन फेज एंड थर्ड इज ए ग्रोथ फेज टू जी टू फेज हमने इनका नाम क्यों रखा जी वन फेज एस फेज एंड जी टू फेज एग्जैक्टली एस फेज इज ए फेज वेयर डी एन एर एप्लीकेशन टेक्सप्रेस उससे पहले की अगर कोई फेज है जिसमें सेल ऑर्गेनाइज डुप्लीकेट होने जा रहे हैं दैट इज उन्होंने जी वन एंड उसके बाद में जो सेल डिविजन स्टेज आई है उसके बाद में जो ग्रोथ स्टेज आई है दैट इज उन्होंने जी टू सो द इंटर फेज इज डिवाइड इन टू थ्री फर्दर फेजेस नंबर वन इज जीवन फेज और गैप वन एज फेज और एज सिंथेसिस फेज एंड जी टू फेज इज गैप टू फेज जीवन फेज इज क्रॉस टू द बिटवीन द माइटोसिस हम बोल सकते हैं आराम से एन इनिशिएशन ऑफ डी रेप्लिकेशन आप देख सकते हैं एम फेज एन इनिशिएशन ऑफ डी रेप्लिकेशन के बीच की स्टेज है डूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली वेरी एक्टिव कंटिन्यूसली ग्रोइंग बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इज डीएनए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक फेज दैट इज नोन एज एस फेज और एस फेज मार्क्स अ पीरियड ड्यूरिंग व्हिच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस सबसे इंपॉर्टेंट एस फेज क्योंकि एग्जैक्टली exactly यही है जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन होने जा रहा है सो so, अगर सपोज आप मेरे को बोल के हैं कि कि व्हाट अबाउट द डीएनए कंटेंट अगर मेरे पास 46 सिक्स क्रोमोजोम्स हैंप्लोड क्रोमोजोम्स आर 23 ह्यूमन के पास में 23 थ्री क्रोमोजोम्स है आप क्रोजोम नंबर वन का डीएनए ले लीजिए सेकंड का ले लीजिए थर्ड का ले लीजिए फोर्थ का ले लीजिए इस तरीके से आप सारे ट्वेंटी थ्री का डी लेते हैं और अगर मैं उन सबको ऐड करता हूँ मैं सम अप करता हूँ ऑल द डी सो कैन आई सी दिस हैपलोन ए कॉन्टेंट ऑफ द सेल ये बहुत ईजीली सो दैट वैल्यू इज उन्होंने सी वैल्यू वाट इज सी वैल्यू सी वैल्यू इज एप्पलो डी एन ए कॉन्टेंट हाउ टू कैलकुलेट द सी वैल्यू ऑफ ए सेल हम कैसे एक सेल की सी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप क्रोमोजोम फर्स्ट के अंदर जो डीएनए है उसको मेजर कर लीजिए सेकेंड का डी एन ए को ऐड कर लीजिए थर्ड डी एन एड कर लीजिए इस तरीके से फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ ट्वेंटी थ्री क्रमोजोम्स के डी एन ए को आप एड कर लीजिए यू विल गेट अ सी वैल्यू तो क्या वी आर डिप्लॉयड यस ऑलमोस्ट ऑल यू कैटिक सेल्स आर डिप्लॉयड सो दैट मीन्स यू कैरेटिक सेल्स डिप्लॉयड है डिप्लॉयड होने के साथ साथ में उनके पास में सी वैल्यू होगी कि उनके पास में टू सी होगा सी सो वी आर डिप्लॉय सो वी आर टू सी सो हमारे पास में इच एंड एवरी सेल इन दिग्निंग जीवन स्टेज टू एन आर डिप्लॉय एन को कैसे डिफाइन करते हैं क्रोमोजो के नंबर से डिफाइन करेंगे इफ क्रोमोजोम्स के जब हम काउंट करने जाएंगे सबसे पहले मैंने माइक्रोस्कोप मैं के अंदर एक यू कैरिक सेल्स से है वो मैंने फिक्स की है और अब हम उसका कैरोटाइप देखने जा रहे हैं या फिर हम उसके क्रोमोजोम्स को देखते हैं तो हम देख सकते हैं येस yes, हाउ मनी क्रोमोजोम्स

अगर मैं हैप्लोइड देखूंगा तो मेरे पास ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स मुझे ऑब्जर्व होंगे मैं काउंट कर लूँगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरीके से यानी तो अभी मेरे पास फोर्टी सिक्स क्रोजोम है मैं आराम से बहुत ईजी वे में लाइट माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ सो so, अगर हम जीवन फेज में देखते हैं तो जीवन फेज में चलो हम वापस माइक्रोस्कोप की तरफ चलते हैं और हम जीवन फेज में देखते हैं जीवन फेज में, में आप देख सकते हैं क्रोमोजोम्स एग्जैक्टली फोर्टी सिक्स हैं यस सो डिप्लॉयड है बिल्कुल डिप्लोइड है और अगर हम क्रोम क्रोमोजोम्स के अंदर देखने जा रहे हैं तो यस yes, सिंगल डी एन एन ए क्रोमोजम्स सो टू सी ओनली क्योंकि सेल इज होता है so, यहां पर टू सी वैल्यू होगा क्योंकि एक डिप्लॉयड सेल के अंदर टू सी वैल्यू होता नहीं, तो ये जीवन फेज है जीवन फेज के अंदर uh, आप देख सकते हैं माइक्रोक डबल हो चुका है एंडोप्लाजम ग्रेटिकुलम थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर चुका है गोआल का साइज इंक्रीज हो चुका है राइट right? लाइसोसोम का नंबर बहुत अच्छा खासा हो चुका है राइबोसोम बहुत फास्ट सिंथेसिस होने जा रहा है सेल इज मेटाबॉलिकली वेर एक्टिव ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बहुत फास्ट है सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम ऑफ द सेल इज इंक्रीजिंग बट अभी भी डीएनए एन नहीं हुआ नहीं ये तो ग्रोथ फेज है दैट इज ओन ए जीवन फेज मेटाबोलिकली सेल बहुत एक्टिव है बहुत हाई रेट है ए टी पी सिंथिसिस की प्रोड्यूसिंग टू मच ए कंटिन्यूसली ए टी होने जा रही है और माइट्रोकड रिलीजिंग टू मच एटीपी इनसाइड पी इन द साटोप्लाजम बहुत फास्ट एटीपी सिंथेसाइज हो रहे हैं माइट्रोगंडिया सेल्स को भी दे रहा है एटीपी राइट ए ट्रू पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइट्रोगंडिया एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड इन द जीवन फेज जीवन फेज में बहुत अच्छी तरीके से माइट्रोकंडिया परफॉर्म करने जा रहे हैं अपने फंक्शंस को टू मच ए टी पी इज रिलीज सेल इज मेटाबोलिकली वेरी एक्टिव ग्रोथ फेज रियल सेंस में जीवन है बहुत टाइम लगेगा जीवन इज लॉन्गेस्ट ग्रोथ फेज जिसमें बहुत टाइम लगता है तो सेल कंटिन्यूसली अपने आप को मेंटेन कर रही है मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल कंटिन्यूसली उसके अंदर एटिवी सिंथेसिस है राइबोसोम बहुत ज़्यादा बन चुके हैं दिस इज ए वेरी हाई रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एम आर एन ए सिंथिसिस हो जा रहा है जिनका ट्रांसलेशन होकर प्रोटीन्स बनने जा रहे हैं इस तरीके से अपन बोल सकते हैं मेटाबॉलिकली सेल इज़ वेरी एक्टिव इन द जीवन फेज बट व्हाट अबाउट डीएनए कंटेंट डीएनए कंटेंट हम ऑलरेडी माइक्रोस्कोप में देख के बता सकते हैं कि जी वन फेज के अंदर जो डी कंटेंट है वो एग्जैक्टली टू सी है और टू वन है तो अगर हम अब इसको हम देखने जा रहे हैं एस फेज के अंदर तो वंस जी वन इज कम्प्लीटेड द सेल इज एंट्रिंग टू एस फेज एस फेज मार्क द बिगिनिंग ऑफ डी एन एप्लीकेशन दैट मीन्स क्रोमोजोम्स एग्जैक्टली जो उनके अंदर डी एन वो डबल होने जा रहे हैं बट द रिमेन अटैच थ्रू सेंट्रोमियर क्रोमोजोम्स डुप्लीकेट नहीं हो रहे हैं क्रोमोजोम्स के अंदर जो डी एन है वो डबल होने जा रहा है क्रोमोजोम्स अभी भी फोर्टी सिक्स आप देख सकते हैं क्रोमोजोम्स के अंदर नंबर चेंज नहीं हुआ है बट क्रोमोजोम्स के अंदर एक नया क्रोमेटिड अटैच हो गया है सो दैट क्रोमेटी जिन्होंने सिस्टर क्रोमेटिड्स इसका मतलब क्रोमोजोम्स ने अपना जो डी एन ए कॉन्टेंट है उसको डबल किया है क्रोमोजोम सेपरेट नहीं हुए हैं अभी भी क्रोमोजोम्स को अगर मैं काउंट करता हूँ एस फेज के अंदर माइक्रोस्कोप में लेके जाके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओ फोर्ट सिक्स क्रोमोजोम्स ही हैं क्रोमोजोम कंटेंट उतना को उतना है बट एक नया क्रोमेटिड अपेयर हुआ है अगर मैं इन दोनों क्रोमेड को कंपेयर करता हूँ तो देआर उन्होंने सिस्टर क्रोमेडियो डी एन ए का अरेंजमेंट एक क्रोमेटिड पर है डिटो सिमिलर डी एन ए अरेंजमेंट सिमिलर एलिज सिमिलर जीन्स आर फाउंड ऑन द नेक्स्ट क्रोमेटिड दैट इज उन्होंने सिस्टर क्रोमेटिड्स सो सिस्टर क्रोमेटिड फेज में आप देख सकते हैं तो क्या डी एन ए कॉन्टेंट डबल हुआ है डी एन ए कॉन्टेंट डबल हो गया है फोर सी हो चुका है डी एन कॉन्टेंट डबल हो चुका है डी एन ए कॉन्टेंट एक्जैक्टली फोर टाइम्स हो चुका है एक यूकेटिक सेल्स के अंदर एक डिप्लॉयड सेल के अंदर पहले टू सी था अब फोर सी हो चुका है बट क्रोमोज का नंबर अभी भी फोर्टी सिक्स ही है वो अभी भी डिप्लॉयड है सेल इज डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोज आर फोर्टी सिक्स ओनली द सेल इज डिप्लॉय अभी भी क्रोमोजम फोर्टी सिक्स है सेल के क्रोमोजम्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है बट जो डी एन ए कॉन्टेंट है वो डबल हो चुका है मतलब टू सी से इंक्रीज होकर फोर सी हो, हो चुका है सो दैट मीन्स डी एन एप्लीकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल का भी एग्जैक्टली अगर हम साइट्रो प्लाज्मा के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट स्टार्ट हुआ है सेंट्रोल का डुप्लीकेशन सेंट्रल प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन द सेल डिवीजन कैसे हम थोड़ा टाइम बाद में बहुत अच्छे एनिमेशन के थ्रू तो इसको देखने जा रहे हैं सो नाउ द सेल एंटर एंट्री जी टू फेज वंस डी एन एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड अब सेल को पता है कि नहीं अब अपन को डी एन ए कॉन्टेंट डेवलप कर चुके हैं क्रोमोजम नंबर सेम है अब हमें एक्जैक्टली exactly जाना चाहिए एक नेक्स्ट राउंड की तरफ जिसमें सेल ने डिसाइड किया कर लिया है कि अब उसको क्रोमोजोम्स को इक्वली सेग्रीगेट करना है क्रोमोजोम्स को इक्वली सेग्रीगेट करना है माइक्रोकोन्ड्रो को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कराना है गॉल्जी को एग्जैक्टली इक्वली लेके जाना है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज सेल सेल के अंदर सिंगल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सिंगल न्यूक्लियस है, है तो कैसे वो दो डॉटर सेल्स को दो न्यूक्लियस दें इक्वल नंबर के अंदर न्यूक्लियस दें कैसे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिवीजन करे और कैसे योगोलॉजी का डिवीजन करे का नंबर बहुत ज़्यादा है राइबोसोम्स आर प्लेंटी इन द सेल तो उनका उनका डिस्ट्रीब्यूशन में उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा बट सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ द डी एन एमंग द डॉटर सेल्स ये इंश्योर करने के लिए उन्होंने जी टू फेज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड करके रखी है फॉर द सिंथेसिस ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन्स सो ट्यूबुलिन प्रोटीन स्टार्ट सिंथेसिस सिंथेसाइजिंग इन द इन द जी टू फेज सो इन जी टू फेज सारी सारी जो मशीनरी होगी वो डेडिकेटेड होगी फॉर द इक्वल सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजम्स अमंग द डाटा सेल्स तो इसके लिए उन्होंने माइक्रोट्यूबल्स का सिंथेसिस स्टार्ट किया माइक्रोट्यूब्स का असेंबली स्टार्ट करेंगे एंड माइक्रो ट्यूबुल्स का ऑरियंटेशन अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं राइट right? बट क्या सेल डिविजन इज ए फीचर ऑफ ऑल सेल्स क्या कोई भी ऐसी सेल्स नहीं है जो एग्जैक्टली कम्प्लीटली रेस्ट फेज में हो जो ग्रोथ कर रही हो बट जिसके अंदर डिवीजन नहीं हो जो लिविंग हो बट एग्जैक्टली exactly जिसके अंदर डिवीजन नहीं हो दैट मीन्स जो अपना मेटाबॉलिकली वो एक्टिव हो सारे के सारे फंक्शंस वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही हो जो डिफरेंशिएटेड भी हो सकती है राइट इट्स नॉट अबाउट द स्टेम सेल्स वो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं बट उसके अंदर डिवीजन नहीं है तो बहुत सारे डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर डिवीजन है डिफ्रेंशिएशन का सेल डिवीजन के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है your skin cell is differentiated by dividing right your connective tissue cells are differentiated but they are dividing but main point is wo cells differentiated hai yes aur wo cells active hai bilkul active hai but unke andar division nahi hai say for example neurons to so, neurons exactly wo divide nahi kar rahe hain right, आपकी normal skeletal muscles के अंदर division है जब भी injury हो जाएगी skeletal muscles अपने आप को repair कर लेती हैं right, But आपके heart muscles के अंदर या फिर heart cells के अंदर डिवीज़न नहीं है द रीज़न इज दे आर इन द जी जो स्टेज दैट मीन्स वो सेल डिवीजन की क्विसंट स्टेज के अंदर हो चुकी हैं उनके अंदर बेसिकली सेल डिवीजन नहीं यानी राइट राइट ये ये जो फिनोमिना है वो सभी सेल्स के अंदर नहीं है अदरवाइज बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी अगर स्किन के अंदर ये फिनोमिना आ जाए तो जब इंजरी होगा या फिर सेल डेथ होगा तो हाउ टू रिप्लेस दैट पर्टिकुलर डेड सेल्स राइट जो लिविंग सेल्स है वो एग्जैक्टली डेड सेल्स को कंटिन्यूसली वहाँ पर रिप्लेस कर रही है